और इस बीच जो भव्य दिव्य तैयारियां एबीपी न्यूज ने आपके लिए की हैं, इस ऐतिहासिक पल को लेकर आप तक हर खबर पहुंचाने की, उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरे स्टूडियो आपको लेकर चलते हैं, जहां पूरी तरीके से रंग भक्ति का है, माहौल राममय है और हमारी सहयोगी शिरीन वहां पर मौजूद है। शिरीन, विभोर हर कोई दिखाई दे रहा है, आप यहाँ आए ना आए राम भजन यहाँ जारी है बिना रुके। और लगातार हमारे साथ यहाँ पर जो खास मेहमान बने हुए हैं, नीति जी का मैं रुक करूंगी क्योंकि ये भी अयोध्या से होकर आई हैं। अयोध्या का हर रंग पिछले 6 दिनों में आपने भी देखा, कैसी लगी अयोध्या? श्री राम शरणम नमः, श्री राम शरणम नमः, यही भाव इस समय 140 करोड़ हमारी जनता के मन में है कि हम अपने आप को श्री राम के शरण में, चरणों में अर्पण कर दें, समर्पण कर दें। अयोध्या नगरी में साक्षात स्वर्ग लोक उतरा हुआ है। मैं कैसे बताऊं, कलयुग में सनातन के सत्युग का अगर कोई आगाज प्रारंभ हुआ है, वो जो तारीख है वो 22 जनवरी 2024 की है, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि और पौष मास के इस शुभ दिन में, सोमवार के दिन अभी जीत मुहूर्त में, जिस समय लगन जो मेष का उदय हो रहा होगा गुरु की, उसमें विराजमान होंगे नवांश में उच्च के गुरु हैं, स्वग्रही शनि हैं और मंगल बुध और शुक्र की अति शुभ युति नवम भाव में, यानी कि धर्म के भाव में, धर्म ध्वजा की पताका सनातन की जो लहरा रही है, वो देखते ही अद्भुत बन रहा है कि किस प्रकार अयोध्या नगरी में उमंग उत्साह और उत्सव का जो एक बेला वहाँ पे बंधी हुई है। पूरा विश्व में अगर एक ही नाम गुंजायमान है तो वो जय श्री राम है, प्रभु श्री राम का नाम है। और शिव योगी जी, बिना देर की आपके पास, आपने तो कुछ संस्कृत में तैयारी की है, सुनाइए हमारे दर्शकों को। आज ऐसा अद्भुत अवसर है और इस अवसर से उत्साहित होकर के मैंने एक कल ही नए प्राण प्रतिष्ठा के गीत की रचना की है। शुरू कीजिए बिना देर किए, सब यहाँ पर आतुर है सुनने के लिए। आयातम नव भव्य मंदिरे, आयातम नव भव्य मंदिरे, राघव विग्रह ज्योति, आयातम नव भव्य मंदिरे, राघव विग्रह ज्योति, श्यामशिलातः प्रकटीभूतं बालस्वरूपं अद्भुतरूपं, श्यामशिलातः प्रकटीभूतं बालस्वरूपं अद्भुतरूपं, नवबाणेन नवधनुषाभं, नवबाणेन नवधनुषाभं, पंकज पदमुख नयन प्रकाशं, पंकज पदमुख नयन प्रकाशं, आयातं नवभव्य मंदिरे, राघव विग्रह ज्योति, आयातम नवभव्य मंदिरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हर कोई अपनी अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर आया हुआ है, राम नाम कैसे कण कण में लोगों के बसा हुआ है और ये अब दिख भी रहा है। आइए आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। अखिलेश मेरे सहयोगी सरयू किनारे से हर एक रंग आपको लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं और आज तो अखिलेश अद्भुत आनंद आपको अनुभूति उसकी हो रही होगी क्योंकि सौभाग्यशाली हैं आप राम की धरती पर इस वक्त। बिल्कुल, और जो दिन है वो सबसे खास है। मैं बार बार जो कह रहा हूँ, 500 सालों का जो राम भक्तों का इंतजार था वो आज खत्म हुआ है, वो पावन बेला आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में इंतजार चल रहा है और सरयू घाट पर हमने ये खास मंच सजाया है। मेरे साथ यहाँ मालविका तिवारी जी हैं और मुल्कराज जी हैं, आप दोनों मशहूर भजन गायिका और गायक हैं, इनसे हम सुनते हैं। मालविका जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा और कोई बढ़िया भजन भगवान राम का सुनाइए। जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे कि आप सबको पता है कि भगवान आ चुके हैं, तो बस इसी खुशी में मैं बधैया गाना चाहूंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।